बॉलीवुड में कॉस्मेटिक सर्जरी कराना आम बात है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि कुछ सितारे इस पर खुलकर बात करते हैं और कुछ सितारे इस पर बात करने से बचते हैं। ऐसी ही एक स्टार है जिन्होंने अपनी सर्जरी की बात खुलकर तो की, लेकिन मीडिया ने उस बात का सर्कस बना दिया और उनको आज तक पछतावा है कि उन्होंने क्यों मीडिया के सामने ये बात कही थी। कौन है ये, मैं हीना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। साकी साकी रे आपको ये गाना याद होगा और उससे बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी कोयना मित्रा, यहाँ तक कि बिग बॉस में भी वो नजर आई थी। और अब उन्होंने ये कहा है कि मैंने अपने नाक की सर्जरी कराई, मीडिया को मैंने बताया तो उन्होंने मेरी नाक का सर्कस कर दिया था। जी हाँ, कोयना ने एक इंटरव्यू में बात की है और उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात का आज भी पछतावा है कि मैंने ये बातें जो है मीडिया को क्यों बताई थी। लेकिन मैं सिर्फ मीडिया से ये पूछना चाहूंगी कि जब आप किसी एक्टर को देखते हैं, 50 साल के एक्टर को, और उसके बाल चेहरा इतना अच्छा होता है, झुर्रियां नहीं होती, तो क्या आप सोचते नहीं कि क्या हुआ होगा? तो वो कहती हैं सर्जरी का हर किसी पर अलग अलग असर दिखाई देता है। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरी त्वचा इतनी संवेदनशील है, मेरे चेहरे पर सूजन आ गई थी। और साथ में हमारी इंडस्ट्री में सर्जरी सभी करवाते हैं लेकिन कोई खुलकर बात करता है, कोई नहीं करता। मैंने इस बात को साझा करने का नतीजा ये हुआ कि लोगों ने इसका मजाक बना दिया। मीडिया इस लायक नहीं थी कि उन्हें मैं कोई बयान देती, वो मेरी बोल्डनेस के काबिल ही नहीं थे और इसके लिए उन्होंने इस बात का तमाशा बना दिया। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने अपनी नाक की सर्जरी की बात सार्वजनिक तौर पर क्यों कही थी। तो कोयना का ये कहना है कि मैंने बोल्ड होकर बातें कह तो दी, लेकिन शायद मीडिया को ये बात समझ नहीं आई और इस बात का उन्होंने तमाशा बना दिया और मेरी नाक एक सर्कस बनकर रह गई थी।